Hello everyone, this is Suvanshu here and today I'm going to make a video on how to clear AIPMT. So first of all, the main important thing is we need to study. तो हमें पढ़ना कैसे है? पहले तो हमें पूरे साल पढ़ना है. पूरे साल कैसे पढ़ना है? सपोज हम बायो का एक चैप्टर कर रहे हैं, हमें सारे चैप्टर कम से कम चार बार करने हैं. मेनली हमें बायो की एनसीईआरटी करनी है, फिजिक्स के हमें सारे चैप्टर के फॉर्मुलेज पता होने चाहिए. सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज नहीं, सारे फॉर्मुलेज पता होने चाहिए और थोड़ी थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए. केमिस्ट्री में मेन जो है हमें एनसीईआरटी पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक याद होनी चाहिए और फिजिकल की हमने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए. हमें करना कैसे है? पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो जो हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे हम वो वाले टॉपिक्स दोबारा पूरे पढ़ेंगे. ये तो हुई पूरे साल पढ़ने के बाद. अब आखिरी के कुछ दिन पहले अगर तुम्हें पूरा रिवाइज करना है तो तुम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, तुम्हें मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने पड़ेंगे. जैसे बायो की अगर मैं बात करूँ तो 11th की एनसीईआरटी करना ज़्यादा जरूरी है 12th से कंपेयर करें तो. 11th के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, 12th की एनसीईआरटी तुमने अभी अभी करी भी है. 11th में जो दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. इन दोनों चैप्टर से मिला के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. इन दोनों चैप्टरों को कम से कम 3 बार रिवाइज करना है पेपर के एक हफ्ते पहले. बाकी सारे चैप्टर एनसीईआरटी से करने हैं 11th 12th, ज़्यादा देर नहीं लगती, हो जाएंगे. फिजिक्स के हमें सारे फॉर्मूले याद करने हैं, 2 दिन पहले बैठ के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. थ्योरी तो तुम पूरे साल पढ़ोगे तो याद होगी. केमिस्ट्री में 2 दिन पहले अगर तुम्हें रिवीजन करनी है तो तुम सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा. अब उसके बाद तुमने तैयारी कर ली, उसके बाद तुम्हें एक चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है कि तुम्हें पेपर में क्या क्या लेके जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना एडमिट कार्ड ही भूल गए. अब जो तीसरी चीज़ तो हमें दिमाग में रखनी है वो है कि कट ऑफ क्या रहती है. अगर तुम्हें AIPMT में किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें कम से कम अपना टारगेट रखना चाहिए 520 नंबर को. वैसे पिछले साल 490 नंबर तक एडमिशन हुआ है, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है तो इसलिए टारगेट मिनिमम होना चाहिए 520. लेकिन अगर तुम दिल्ली से और तुम्हें दिल्ली में ही चाहिए तो तुम्हारा टारगेट ज़्यादा होना चाहिए, अंदाज़ा 560. तो तुम्हें अपना पेपर से पहले टारगेट बना के जाना है कि तुम्हें पेपर में कितना स्कोर करना है, और जितना तुम्हें स्कोर करना है उससे थोड़ा ज़्यादा का ही टारगेट बनाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि कोई भी जितना टारगेट बनाता है उतना नहीं ला पाता. उसके बाद पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा आएगा. वो तो जहाँ तक है सबको पता होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, और उसमें से 90 क्वेश्चन बायो के होंगे, जिसमें से ज़्यादा वेटेज 11th की रहती है, अंदाजा 55% 11th की रहती है. 45 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के होंगे और 45 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के होंगे. तो तुम्हें अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करना है कि तुम्हारा बायो जो है वो 3 में से 1 घंटा 10 मिनट मैक्सिमम में हो जाए, बाकी ताकि तुम्हारे पास बचे हुए 110 मिनट रहें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. तो तुम फिजिक्स पे इस तरीके से ज़्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि फिजिक्स वैसे भी ज़्यादा टाइम देता है. उसके बाद तुम्हें पेपर करना कैसे है? सबसे पहले तो ऑर्डर की बात करेंगे. मेरे हिसाब से तो तुम्हें सबसे पहले बायो करना चाहिए, क्योंकि बायो एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके आते हैं, और अगर तुम पढ़ के जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं. अगर 1 घंटे में तुम्हारी बायो खत्म हो जाती है तो तुम्हारे पास 2 घंटे बचते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. मतलब तुम चाहो तो आराम से बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के. अगर तुमने पहले फिजिक्स स्टार्ट की और फिजिक्स थोड़ी टफ आई हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा टाइम फिजिक्स में वेस्ट हो जाएगा, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे पास बायो के लिए टाइम नहीं है, और तुम बायो जल्दी जल्दी में करोगे, जल्दी जल्दी में करोगे तो तुम्हारी बायो भी ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहले बायो करें, उसके बाद केमिस्ट्री करें, और उसके बाद फिजिक्स करें. उसके बाद कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अब तुम्हें अपनी एक्यूरेसी पता होगी कि तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे उसमें से कितने सही होंगे. मान लो तुमने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 180 में से, तो तुम्हें पता है तुम्हारे 520 नंबर बन रहे हैं, लेकिन 130 के 130 सही नहीं होंगे. मान लो उसमें से 100 सही होता है, तुम्हारे नंबर कम हो गए, तुम्हें और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो तुम अंदाजा ये मान के चलो कि तुम्हें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. अगर 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए AIPMT क्लियर करना. उसके बाद क्वेश्चन करने कैसे हैं, सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड करना है. अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर मार्क किया, अगर नहीं आता, मान लो 4 ऑप्शन है तुम्हें 2 में कन्फ्यूजन है, तो उसे मार्क उस पर सर्कल लगा के छोड़ दिया. ठीक है, सर्कल लगा के छोड़ दिया कि तुम्हें इसमें 2 में कन्फ्यूजन है. उसके बाद अगर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आता है जिसमें तुम हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो, जैसे एंगल सब मतलब वैल्यूज पुट करके देख सकते हो कि ये आंसर में फिट हो रही है नहीं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, उसमें टाइम बहुत बचता है. अब ये हमने जो एलिमिनेशन मेथड किया इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा वो मैं अभी बताता हूँ. कि मान लो तुमने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो तुम्हें पूरे आते थे, मतलब 130 में से 120 सही हो गए, तो तुम्हारे 500 नंबर बने अंदाजा, 480 नंबर. लेकिन अब तुम्हें बाकी के 40 नंबर चाहिए,
बाकी के 40 नंबर तुम कैसे लाओगे? जो तुमने क्वेश्चनों पे सर्कल लगा रखा है उसमें तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन सही होगा 2 में से। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो रहा है 2 में से, तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर कटेगा, मतलब तुम्हारे को 3 नंबर पॉजिटिव में मिलेंगे। तो अगर तुम्हारा टारगेट के हिसाब से कम नंबर बन रहे हैं तो तुम्हें ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन पे तुमने सर्कल लगाया है। अगर तुम्हारे टारगेट के हिसाब से तुम सेटिस्फाइड हो तो इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ AIPMT के लिए वैलिड हैं, मतलब पेपर का पैटर्न देखते हुए मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि इनको सिर्फ तभी यूज़ करना है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े। जैसे तुम्हारा टारगेट 520 है, तुम्हारे नंबर बन रहे हैं 450 और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हें पता है 450 में तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं सकता, तो वहाँ पे पेपर छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तुम कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो तुम्हें नहीं आते, बट अगर तुम इस हिसाब से करोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे जो इनमें तुमने तुक्के लगाए हैं। तो सबसे पहला है कि जहाँ पे भी तुम्हें ऑल ऑफ दीज मिले ऑप्शन में, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता और ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है, तो 90% चांसेस हैं कि आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसलिए अगर तुम्हें तुक्का लगाना है तो तुम ऑल ऑफ दीज के साथ जाना। अगर ऑप्शन में ए बी सी और चौथा ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड सी है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आंसर या तो ए होगा या सी होगा। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड सी है तो आंसर या तो डी होगा या बी होगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ जिसमें ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, तो आंसर या तो डी होगा या आंसर सी होगा। ए और बी होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और जो अगर तुम्हें कहीं पे भी क्वेश्चन में मिलता है ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो AIPMT के लेवल के हिसाब से इस ये ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये बातें ध्यान में रखनी है कि इन्हें सिर्फ तभी अटेम्प्ट करना है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि ये 100% तुम नहीं कह सकते। ये सिर्फ तभी है जब तुम्हें पता है कि अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो तुम फेल हो, मतलब तो तुम नहीं ला सकते नंबर। और चौथा जो पॉइंट है वो है अगर तुम्हें फिजिक्स में कभी 0 ऑप्शन मिलता है तो चांसेस होते हैं कि 0 आंसर सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर 0 ऑप्शन में तभी डालता है जब आंसर 0 होता है नॉर्मली। तो ठीक है, अगर अब इन चीज़ों से तुम्हें फ़ायदा मिले तो ठीक है, मतलब ये सिर्फ तभी अटेम्प्ट करने हैं जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।